चलो ये कहता है द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी टू अर्थ एट ए प्लैनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी ट्वाइस ऑफ द अर्थ। चलो हमें अर्थ लेना है और अर्थ के पैरेलल एक दूसरा कोई प्लेनेट लेना है, उन दोनों पे एस्केप वेलोसिटी कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलो रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ, अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है याद है, अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2gm over r अंडर रूट, ठीक है। ये अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है। अब जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो डेंसिटी और रेडियस के टर्म में लिखा है, तो डेंसिटी और रेडियस में निकालने मैंने मास को ब्रेक कर दूंगा, मास को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 2G m मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 πr³ और डेंसिटी रो अंडर रूट। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि r ने r को ख़त्म कर दिया, r 4/3 πr³, तो r बाहर आ गया और 8G upon 3 डेंसिटी रो अंडर रूट। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस, क्योंकि हमें डेंसिटी और रेडियस के टर्म में ही चाहिए था, बाकी सारे कॉन्स्टेंट है, मतलब इसके वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस रो अंडर रूट, रेडियस रो अंडर रूट। मतलब अर्थ पे और उस प्लेनेट पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो रेडियस ऑफ दिस, रेडियस ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ द अर्थ और डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट अंडर रूट, ये फार्मूला बनेगा कंपेरिजन में। अब वैल्यू रखो जैसा कह रहा है, क्या कह रहा है, हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी ट्वाइस ऑफ अर्थ, जो प्लेनेट है उसका रेडियस और मीन डेंसिटी ट्वाइस है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ और 2 times रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ अर्थ और 2 times डेंसिटी ऑफ ये, तो ये एक खत्म हो गया, ठीक है, मतलब 1/2√2 ये रेशियो आ जाएगा इन दोनों की एस्केप वेलोसिटी का, 1:2, मतलब डी ऑप्शन हम लोग का प्यारे बच्चों सही है, ठीक है ना, आ गया समझ में।